बॉलीवुड में स्टार वॉर, खान वॉर और क्लैश वॉर खत्म हो चुका है बिकॉज सोलो रिलीज वाली फिल्में भी अपनी कमाई नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जो भी क्लैश का पूरा मार्केट है वो साउथ में चला गया है। साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार खान्स की तरह टकरा रहे हैं और एक दूसरे के फैंस एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं ताकि उनके स्टार को सोलो रिलीज मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं उन बड़े स्टार्स की जो साउथ के बड़े पॉपुलर एक्टर हैं और उनकी फिल्में हिंदी बेल्ट पर आकर नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। बहरहाल अगले साल यानी 2023 में बॉक्स ऑफिस पर साउथ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो फिल्में कोरोना के टाइम पर पोस्टपोन हुई थी वो अगले साल हंगामा मचाने के लिए तैयार बैठी हैं। और अगर शुरुआत की बात करें साल की, तब साउथ इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सुपरस्टार की फिल्में पोंगल के मंथ में संक्रांति पर टकराएंगी। इन साउथ के तीन सुपरस्टार्स का नाम आप सुनकर चौंक जाएंगे बिकॉज इससे पहले इतना बड़ा क्लैश कभी साउथ में हुआ नहीं। और जाहिर सी बात इनकी फिल्में हिंदी बेल्ट में भी रिलीज होंगी एजेंट डब वर्जन, तो हिंदी में भी उसका असर दिखाई देगा और उनके सामने कोई हिंदी एक्टर आने की हिम्मत नहीं करेगा। बहरहाल इन तीनों एक्टर का नाम है विजय, जिनको हम बोलते हैं थलापति विजय। इसके अलावा अजीत कुमार, ये भी तमिल एक्टर हैं विजय की तरह, और तीसरे चिरंजीवी जो कि तेलुगु एक्टर हैं। और ये तीनों ही एक ही दिन के आसपास अपनी फिल्मों को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी तक का इंडिया का या फिर कह लें साउथ इंडिया का बिगेस्ट क्लैश होने वाला है ये। अब बात करते हैं इन फिल्मों की जो पोंगल संक्रांति के मौके पर टकराएंगी और अपने अपने स्टारडम को टेस्ट देंगी। ये तय करेंगी कि अजीत बड़े हीरो हैं कि विजय बड़े हीरो हैं या फिर चिरंजीवी हमेशा बिग बॉस रहेंगे। बहरहाल थलापति विजय की मूवी वारिसी बहुत ज्यादा एक्लेम्ड है और बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। इस मूवी को वामसी पेडी पल्ली ने डायरेक्ट किया है जो कि 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है। फैमिली एंटरटेनर मूवी है, एक ऐसी यूथ की कहानी जो अपनी फैमिली के बिजनेस एम्पायर का वारिस बनता है। मूवी में विजय के साथ रश्मिका मंदाना है, प्रकाश राज है, संगीता है। जबकि अजीत की बात करें उनकी मूवी थुनुवी बॉक्स ऑफिस धमाका करने की पूरे उम्मीद के साथ आएगी। ये एक तरह का एक्शन ड्रामा है और रिपोर्ट्स की माने तो अजीत मूवी में डबल रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं, यानी उनके फैंस को डबल ट्रीट मिलने वाली है। इसमें उनके साथ मंजू वारियर भी स्पेशल रोल में दिखाई देंगी। ये मूवी 11 जनवरी को यानी 12 जनवरी के एक दिन आसपास रिलीज होने के लिए डिसाइड की गई है। अब बात करते हैं हमारे साउथ के मेगा स्टार तेलुगु एक्टर चिरंजीवी की, जिनकी वाल्टियर विरैया 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है। यानी 11, 12, 13 बैक टू बैक तीन दिनों के आज तीन बड़े सुपरस्टार टकराने वाले हैं। कहने के लिए एक दिन का फर्क है लेकिन ये सेम डे वाली बात है बिकॉज इनके जो प्रेस प्रीव्यू होंगे, इनके जो प्री प्रीमियर्स होंगे वो 11, 12, 13 के बजाय एक ही दिन होंगे, तो जाहिर सी बात है पब्लिक बढ़ जाएगी और तमिल तेलुगु बेल्ट वैसे भी आपस में टकराता रहता है। बात करें चिरंजीवी की वाल्टियर विरैया की, तो इस मूवी में बहुत ज्यादा कमर्शियल मसाला है, एक्शन पैक्ड ड्रामा है, श्रुति हसन लीड रोल में है और रवि तेजा का कैमियो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। तो एक तरफ विजय हैं जो अकेले सोलो रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत हैं जो डबल रोल में नजर आने वाले हैं, और तीसरी तरफ वाल्टियर विरैया के तेलुगु स्टार चिरंजीवी हैं जो रवि तेजा के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। अब तीन की जगह पांच सुपरस्टार की बात है, प्लस कैमियो अलग से होंगे, प्रमोशन लेवल अलग होगा, प्लस साउथ में तमिल वर्सेस तेलुगु की डिबेट भी होगी, तो देखने वाली बात होगी कि तेलुगु का एक सितारा जीतता है या तमिल के दो सितारे। बहरहाल क्लैश बहुत तगड़ा और देखने वाली बात यह होगी बॉलीवुड में इस पूरे वीकेंड में इन तीनों स्टार से टकराने की हिम्मत आखिर किसके पास है। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।